उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परमिंदर सिंह ने सहारनपुर से मुहर्रम अली उर्फ पप्पू को सपा का सदस्य बनने पर कहा कि सहारनपुर में वर्ष 2014 में गुरुद्वारा पर हमले का आरोपी है तथा उसने सैकड़ों दुकानों को जलाने का काम किया है। ऐसे आरोपी को सपा ने सदस्यता ग्रहण करवाया है और प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। इससे पता चलता है कि वास्तविक अल्पसंख्यकों की हितैषी कौन है। जो लोग तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए देश को बांटने का काम करते हैं वह लोग इनके साथ में हैं। और एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4.5 सालों में गुरुद्वारा जाते हैं और अपने सरकारी आवास में गुरु साहब का प्रकाश करवाते हैं, तो इससे वास्तविकता पता चल जाता है कि देश को जोड़ने व बांटने का काम कौन करता है, जिसका सिख समाज बेहतर जवाब देगा। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाने से सिख समाज में बहुत भय है, इसलिए हमारी सभी राजनीतिक दल से मांग है कि ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लेने से बचें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने कहा, द्वारा सहारनपुर में जो वर्ष 2014 में और उसके पश्चात गुरुद्वारा साहब पे हमले का आरोपी रहा हो और जिसने सैकड़ों दुकानों को जलाने का कार्य किया हो, ऐसे आरोपी को सदस्यता ग्रहण करवाई है तथा उसको प्रतिनिधित्व देने का कार्य किया है। इससे पता चलता है कि वास्तविक अल्पसंख्यकों की हितैषी कौन है। कुछ लोग तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए ऐसे लोग जो कि समाज को बांटने का कार्य और देश को बांटने का कार्य करते हैं उनके साथ हैं। एक तरफ हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं जो 4.5 वर्षों में 17 बार गुरुद्वारा जाते हैं, लखनऊ के विभिन्न गुरुद्वारों के दर्शन करते हैं, अपने सरकारी आवास पे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कराते हैं, साहिबजादा दिवस घोषित करते हैं। तो इससे वास्तविकता पता चल जाता है कि देश को जोड़ने का, देश को परम वैभव की ओर ले जाने का और समाज को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है और समाज तोड़ने वाले विखंडी लोग कौन हैं। और मैं सिख समाज इसका बेहतर जवाब देगा यही कह सकता हूँ। देखिए, ये जो घटना हुई है इससे सिख समाज में बहुत भय व्याप्त है कि अगर इस प्रकार के दंगाइयों को प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा जो कि आरोपी रहे हों विभिन्न गुरुद्वारों को जलाने के और दुकानों को जलाने के और समाज को बांटने का काम जिन्होंने किया हो, अगर ऐसे लोग समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे तो निश्चित तौर पे समाज विखंडित होगा और अधर्मियों का राज होगा और कहीं ना कहीं जो शरीफ लोग हैं जो स्वच्छ जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए परेशानियां भी खड़ी होगी और उनके लिए अंदर एक दहशत का माहौल व्याप्त होगा। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना, मैं प्रत्येक दल से निवेदन करूंगा कि वो ये जरूर ध्यान रखें कि शुचिता बनी रहे और सभी वर्गों का सम्मान हो, प्रतिनिधित्व करें, लेकिन ऐसे लोग जो कि दंगों के आरोपी रहे कम से कम ऐसे लोग को दलों में लेने से परहेज करें।